सेमीफाइनल मैच में भारत को मिली 10 विकेट से हार, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी को छीनने की उठने लगी मांग, बीसीसीआई ने अर्जेंट मीटिंग बुला, हार्दिक पांड्या को बना दिया कप्तान और हार्दिक ने कप्तान बनते के साथ ही लिया 5 खिलाड़ियों पर ऐसा धाकड़ फैसला, रोहित को दिखाया बाहर का रास्ता और फिर जो किया सुनकर पूरी दुनिया ने ठोका सलाम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में बताइएगा कि हार्दिक और रोहित में से कौन है एक अच्छा कप्तान, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच सेमीफाइनल का दर्द पूरा भारत देश अभी तक भुना भी नहीं पाया था और इसी दौरान बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हार्दिक पांड्या को T20 की कमान सौंप दी। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ मिली 10 विकेट से हार के बाद ये फैसला लिया गया कि अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होने वाली है 3 मैचों की T20, उसमें हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे और रोहित शर्मा को टीम से बाहर किया जाएगा। और दोस्तों रोहित शर्मा जैसा दिग्गज बल्लेबाज और या फिर यूं कहें कप्तान, जिसने ICC T20 विश्व कप में भले ही अपनी छाप ना छोड़ी हो लेकिन IPL में भरपूर जोरदार प्रदर्शन कर दिखाया है और 5 ट्रॉफियां अपने नाम कर कीर्तिमान बनाया, लेकिन इंटरनेशनल मुकाबलों में न जाने रोहित को क्या हो जाता है कि वो अपने बल्ले से वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाते जिसकी पूरा भारत उम्मीद रखता है। हालांकि दोस्तों अब रोहित शर्मा का प्रदर्शन तो नहीं दिखा, लेकिन यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर मात्र 168 रन बनाए थे और रोहित शर्मा का योगदान कितने रनों का था, बस मात्र 27 रनों का। एक कप्तान जो कि मुसीबत में अपनी टीम को बाहर उबारता है, यहाँ तो उल्टा कप्तानी अपनी टीम को मुसीबत में डालकर जा रहे थे। और फिर दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी के वक्त कप्तानी इतनी साधारण थी कि एक भी विकेट अपने गेंदबाजों से वो चटकवा ही नहीं पाई और इस मुकाबले को इंग्लैंड ने जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की ताबड़तोड़ 80 और 86 रन की पारी की बदौलत जीत लिया और भारत जो कि फाइनल में जाने के सपने बुना रहा था उसको 10 विकेट से हार थमा दी। हालांकि दोस्तों ये हार टीम इंडिया के लिए बड़ा सदमा थी और इस हार के बाद ही पूरी दुनिया, पूरा क्रिकेट जगत ये मांग करने लगा कि हमें रोहित जैसा कप्तान फील्ड पर चाहिए ही नहीं। और इसके तुरंत बाद ही बीसीसीआई ने बड़े अहम फैसले लेते हुए सौरव गांगुली की मौजूदगी में हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान नियुक्त किया। और दोस्तों हार्दिक जैसे ही भारत के कप्तान T20 क्रिकेट के बन गए, उन्होंने कप्तान बनते के साथ ही अपने सालों से साथ खेल रहे खिलाड़ी को ही भार कर दिया और वो कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा थे। जी हां दोस्तों, यहां पर हार्दिक ने रोहित को भार कर कहा कि मैं T20 क्रिकेट को काफी ज्यादा सीरियसली लेता हूं क्योंकि T20 क्रिकेट से ही मेरा करियर बना है। मैंने कभी भी टेस्ट और वनडे पर इतना फोकस नहीं रखा, लेकिन अगर अब मुझे बीसीसीआई ने जिम्मेदारी सौंपी है T20 की तो मैं अपने फैसलों से चलूंगा और यहां मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन खिलाड़ी कितना दिग्गज है, किसने कितने रन बनाए हैं और क्या औहदा उस खिलाड़ी का है। अगर वो रन नहीं बनाता, टीम को जिताने में मदद नहीं करता तो वो मेरी टीम में नहीं खेलेगा, चाहे वो कोई भी हो। रोहित भाई को मैं टीम से बाहर रख रहा हूँ जिससे कि वो अभी थोड़ा ब्रेक ले लें। अभी हम T20 वर्ल्ड कप हारे हैं और हार के बाद अचानक से मैच खेलना सही नहीं है। रोहित भाई एक महान खिलाड़ी है ये सभी जानते हैं और T20 में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है उससे सब परिचित भी है, लेकिन रोहित भाई अगर आगे अपने खेल को अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें लगभग 1 महीने के रेस्ट की पूरी जरूरत है और इसके बाद रोहित भाई वापसी करें। हालांकि मैं नहीं चाहता कि अब मेरी कप्तानी में रोहित भाई अगर खेलें तो साधारण खेल टेस्ट मैच जैसा दिखाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि रोहित भाई अपनी बल्लेबाजी में सुधार करें इन दिनों में। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या ने ये बड़ी बात कहते हुए रोहित शर्मा के दिल को तो ठेस पहुंचाई है, लेकिन कई हद तक ये बातें सही भी हैं। लेकिन अब आप सभी को क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या बिल्कुल सही कह रहे हैं या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।